जैसा कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज में मोहम्मद तस्लीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नकड़िया गज मथुरा और बलथर रोड पर। जैसा कि आप ये रोड देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से ये रोड कम्प्लीटली बन चुका है। खास तौर पर जिस तरह से बलथर मरजदवा मथुरा होते हुए नकड़ियागंज जाना होता था, तो समझिए कि एक तरह से जहन्नम की तरफ जाना होता था। काफ़ी ख़राब रास्ता होता था, लेकिन अब आप ये आप रास्ता देखेंगे कितना ज़बरदस्त एक तरह से बन चुका है। और कम्प्लीटली जो अगर आपको नकड़ियागंज जाना है, मात्र बलथर टू नकड़ियागंज मथुरा होते हुए आपको 20 से 25 मिनट लगेगा, डायरेक्टली आप अनुमंडल पहुंच सकते हैं। तो बहरहाल ज़बरदस्त से ये रोड जो बन जाने की वजह से काफ़ी लोगों के लिए एडवांटेज फुल है। सीधे डायरेक्टली जो कनेक्टिंग जो अनुमंडल नकड़ियागंज से हो रहा है, उसमें लोगों के लिए काफ़ी एडवांटेज फुल है। तो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ कितना बेहतरीन एक तरह से रोड बन चुका है। बहरहाल सबसे बड़ी बात है कि पोखरिया गांव के पास जो पुल का प्रॉब्लम होता था, वो पुल कम्प्लीटली तौर पर अच्छी तरह से बन चुका है। और मैं आपको दिखाऊंगा ये जो रोड बन गया उसके बाद से राहगीरों के लिए काफ़ी एडवांटेज फुल हो रहा है। जैसे कि मैं अभी रिपोर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ कि ये पोखरिया गाँव का ये जो पुल बना है, खास तौर पर नकड़ियागंज मथुरा मरजदवा होते हुए बलथर जो जाता है रोड, और कम्प्लीटली लगभग 4 पुल जो बना हुआ है इस रूट्स पर, खासतौर पर नगड़ियागंज मथुरा बलथर मरजदवा की तरफ, कहीं ना कहीं ये कम्प्लीटली जो रूट है एक फास्ट एंड फ्यूरियस से हो गया। क्योंकि जिस तरह से इस पुल के ख़राब होने की वजह से जिस तरह से राहगीरों को परेशानी होता था, खजुरिया बारवा होते हुए एक तरह से 6 किलोमीटर यानी कि दूर होकर नकड़ियागंज जाना पड़ता था, लेकिन अब ये पुल बन जाने की वजह से लगभग, देखिए ये पुल अब बना है, सामने एक और पुल बना है, एक और पुल बना है, लगभग 4 पुल बना है। एक के फ्यूचरिस्टिक के बिहा पर भी देखकर कि भारत की सुरक्षा के दृष्टि से भी ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली ये रास्ता है। ख़ासतौर पर मैं आपको बताऊँ, ये जो रूट्स है स्पेशली बलथर जो कनेक्ट करता है मैनाटांड को, ब्लॉक को, सिकटा को कनेक्ट करता है, जो सीमावर्ती यानी नेपाल बॉर्डर्स का इलाका है, तो इस तरह के अच्छा रोड होने की वजह से लोगों को काफ़ी फायदा होगा और हो सकता है। तो ये आपको मैं दिखाऊँ कि कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता था जब ये पुल ना होने की वजह से बहुत ही अलग जाकर मतलब कि जाना पड़ता है। यहाँ ये पुल एक बना हुआ है यहाँ पर भी, फिर सामने वहाँ पुल बना है, फिर एक और 4 लगभग 4 पुल बना है। तो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टिविटी खासतौर पर अनुमंडल नकड़ियागंज से ज़बरदस्त बढ़ने जा रहा है, और कहीं ना कहीं एज ए बिजनेस के बिहा पर, लोगों की रोजगार के बिहा पर काफ़ी बेहतर ये रोड्स हो चुकी है। अब लोग एक तरह से, पहले ट्रेन का सुविधा ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे रोड अच्छी ना होने की वजह से, लेकिन अब जिस तरह से हिंदुस्तान में, खासतौर बिहार में भी जो रोडें बन रही है, उससे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और जैसे कि तमाम लोग कह सकते हैं, दूध बेचने वाले हों या तमाम ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो देखिए पुल के साथ पत्थर भी गिराया गया साइड में एक तरह से, कि ताकि बाढ़ के वक्त कटाव ना कर सके। बिकॉज जो ये सीमावर्ती इलाका है, मैं आपको बता दूँ, खासतौर पर गोरखपुर नकटियागंज रसकौल दरभंगा का ये रेलवे रूट्स है, उस पर काफ़ी मतलब कि नेपाल से जो नदियाँ आती है उससे काफ़ी होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ज़बरदस्त एक रूट्स बन चुकी है उसमें फ़ायदामंद है लोगों के लिए रोज़गार के बिहा पर। तो मैं आपको लगातार रिपोर्ट्स करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मथुरा के पास जो आप नदी सामने बहुत दूर देखेंगे, वो करताह नदी है, और जो नदी करताह से जो पानी बाढ़ का आता है तो कहीं ना कहीं एक तरह सड़क को कट करता है। तो इसी बीच से एक ज़बरदस्त तरीका से यहाँ पूरा पत्थर बिछा दिया गया है ताकि कितनों ही बाढ़ आए वो एक तरह से सड़क को कट ना करे। तो ये ज़बरदस्त जो ये सड़क का निर्माण हो रहा है, खासतौर पर पूरा है कम्प्लीटली पुख्तगी के साथ यानी मजबूती के साथ, PCC भी हुआ है, और ये रोड एक तरह से दोहरीकरण ऊपर से हुआ है, तो मैंने देखा था। बहरहाल थोड़ा सा अपडेट इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं अब चीज़ें जो हो रही है, विकास भी हो रही है बिहार में। और देखिए कितना ज़बरदस्त तरीका से पूरा सड़कें बन रही है, और ख़ास तौर पर जो एक तरह से बाढ़ का जो आता है सिलसिला काफ़ी भयानक सा आता है, तो उस बाढ़ से बचने के लिए, सड़क को बचाने के लिए पूरा यह पत्थर लगाया जा रहा है ताकि बाढ़ कटाव ना कर पाए।